प्रश्न नंबर एक निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए तो जो ये मित्र प्रश्न पहलो कि शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया तो शिशुपाल ने अपने घर श्याम को अतिथि आश्रय के लिए आया देख कर घर का दरवाजा खोल दिया बीजो प्रश्न शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था तो शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे दिया जाता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था तीजो प्रश्न न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे तो न्याय के विषय में शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि तो कि न्याय ऐसा हो कि कोई अपराध करने का साहस न कर सके चौथा प्रश्न परदेशी कौन था उसने दूसरे दिन क्या किया तो परदेशी सम्राट अशोक था उसने दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली प्रश्न पांच सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राज मुद्रा क्यों दी तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री पद पर रखते हुए वो राज मुद्रा दी प्रश्न नंबर छ राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियों कैसे बदल गई तो जो कि शिशुपाल की नियुक्ति होने होते ही राज्य में शांति रहने लगी किसी को कोई भय न रहा ऐसी परिस्थिति बदल गई प्रश्न नंबर सात पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की कैसी स्थिति कैसी हो गई तो जो ये कि पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिए प्रश्न नंबर आठ अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया तो अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया प्रश्न नंबर जो निर्मखी प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए तो नंबर एक सम्राट अशोक ने नए मंत्री की खोज कैसे की तो जो प्रश्न राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए अच्छे न्यायमंत्री की जरूरत थी तो सम्राट अशोक ने का किया। अचानक शिशुपाल के घर पहुंचे जो न्याय मंत्री न्याय प्रेमी था शिशुपाल को न्याय देख दिखाने का अवसर नहीं मिला था सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया उन्होंने हत्या के आरोपी सम्राट अशोक को मृत्युदंड देने की घोषणा की उसके साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट खुश हुए इस तरह सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की बीजो प्रश्न सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राष्ट्र मुद्रा दी तीजो प्रश्न सम्राट अशोक को क्यों गदगद गद हो गए सम्राट अशोक क्यों गदगद गद हो गए तो सम्राट अशोक ने देखा कि न्याय की कसौटी पर खरा उतर था उतरा था शिशुपाल खुद सम्राट अशोक को अपराधी जानकर मृत्युदंड देने की घोषणा की दंड दे, देते समय जरा भी हिचकिचाट नहीं दिया नहीं दिखाई अपने अदम्य साहस व्यवहार से सम्राट का दिल जीत लिया इस तरह न्यायमंत्री शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए प्रश्न चार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की, की। न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक ने राज कर्मचारी की हत्या की थी सम्राट अशोक ने राज कर्मचारी की हत्या की थी जिससे शिशुपाल ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की शास्त्रों में राजा को ईश्वर माना गया है इसीलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका लटकवा दिया इस तरह न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की न्याय मंत्री निरुतर क्यों हो गए शिशुपाल न्याय के पद पर खड़े थे सम्राट ऐसे व्यक्तित्व को पाकर हो गए। लोगों ने भी जयकार की, की। परंतु शिशुपाल को लगा कि अब यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी उन्होंने राजमुद्रा सम्राट को वापस की परंतु अशोक ने कहा कि न्यायपूर्ण व्यवहार से मेरी आंखें खोल दी है यह जिम्मेदारी उनके सिवाय को, कोई और नहीं संभाल सकता सम्राट की यह बात सुनकर न्यायमंत्री मंत्री हो गए प्रश्न तीजो निर्मल विधान कौन कहता है क्यों तो जो पहलू यह मेरा सौभाग्य है यह विधान शिशुपाल परदेश युवक से कहता है क्योंकि शिशुपाल अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता था बीजो दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है यह विधान प्रदेशी युवक शिशुपाल से कहता है क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है प्रश्न तीजो ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दिखा दूंगा यह विधान शिशुपाल परदेशी युवक से कहता है क्योंकि परदेशी युवक उससे राज की उपर, अपराध मुक्त करने का वचन देना लेना चाहता है तो तुम अपराध स्वीकार करते हो शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है क्योंकि उसने पैदार की हत्या की थी प्रश्न पांच महाराज यह राष्ट्रमुद्रा वापस ले ले मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा यह विधान शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है क्योंकि उसे लगता है कि यह न्यायमंत्री वह न्यायमंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा प्रश्न नंबर चार शब्द विलोम शब्द दिया गया शब्द लिखिए अथवा दीजिए तो पहला परदेसी तो स्वदेशी आदर तो अनादर अपराधी तो निपराधी सुप्रबंध तो कुप्रबंध गिरफ्तार तो मुक्ति स्वीकार तो अस्वीकार प्रश्न पाँच समान शब्द दीजिए अतिथि तो मेहमान सुगम तो सरल कठिन तो मुश्किल हैरान तो चकित शब्दता तो शांति निरुत्तर तो खामोश प्रश्न च, सोच सोचकर बताइए आप न्याय मंत्री होते क्या करते में न्याय मंत्री होता तो शिशुपाल जैसा करता बीजो प्रश्न सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा कैसे करते हैं प्रश्न शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की तो क्योंकि खुद सम्राट को मृत्युदंड की सजा सुनाई उसकी इस निष्पक्षता और साहस की सम्राट अशोक ने प्रशंसा की प्रश्न चार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने उसे मुद्रा दी इसका अर्थ क्या है जो तो ये नंबर न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने उसे राज, राज, राज मुद्रा दी इसका अर्थ है यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है तो मित्रों आ रीति आप पूरा करिए तो मित्रों जो तीडियो वीडियो गये સ્વાધ્યના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન ગમી હોય તો મિત્રો વિડીયો લાઈક કરો કોમેન્ટ કરો તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચરમાં નવા હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં તો મિત્રો વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા બધા મિત્રો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર